मशरूम तो अपने घर में सब बनाते ही हैं, मगर जो आज हम मशरूम बना रहे हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से बना रहे हैं, कुछ खास ट्रिक से इसे बनाने की। आप भी इसे बना सकते हैं, आपके घर में मेहमान आ रखे होंगे ना, वो भी कहेंगे वाह क्या बात है, कितना टेस्टी सा मशरूम बना है। जिसके लिए हमने मशरूम लिया है 200 ग्राम। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको पसंद हो। इसके ऊपर हल्की जो डस्ट जाती है ना, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा यह मशरूम 2 दिन पुराना है, लग रहा है आपको हल्का सा ब्लैक कलर का हो गया है ना ये मशरूम, हम इसे बिल्कुल फ्रेश बना देंगे। ये भी एक ट्रिक है इसे बनाने की, किसी किसी को पता है ट्रिक, हर किसी को नहीं पता होती। इसके ऊपर हल्की सी एक परत लगी होती है, इस परत को आप आराम से चाकू से ऐसे खुरच के निकाल सकते हैं। हमने इसे कोई भी गुनगुने पानी में नहीं डाला है, इसे आराम से फिर भी हम निकाल रहे हैं। अगर आपको इसकी परत फटाफट से निकालनी है ना, आप क्या करें, एक पतीली में थोड़ा सा गुनगुना पानी कर दीजिए, उसमें 5-10 मिनट के लिए इसे डिप करके छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा आपका मशरूम, आसानी से इसकी बाहर की परत निकल जाएगी, बिल्कुल फ्रेश मशरूम होगा ना, जैसे आज ही हमने फ्रेश मशरूम तोड़ के लाया है, उस तरह का मशरूम बन जाएगा आपका ये। इस तरह से खुरच के निकाल दीजिए, थोड़ा सा गुनगुने पानी में भी छोड़ सकते हैं इसे। इस तरह से हमने सभी मशरूमों को करना है, बिल्कुल आपका फ्रेश मशरूम बन जाएगा इस तरह से। कैसे बहुत से क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट सब्जी में तड़का लगाते हैं ना, उस तरीके से मशरूम में तड़का लगा लेते हैं, उससे क्या होता है मशरूम इतना पकता नहीं, थोड़ा सा हार्ड रह जाता है, या बहुत से प्रेशर कुकर में सीटी मरा देते हैं। आज हम आपको जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, देख लीजिए। हमने क्या करा है, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है, उसमें जो हमने मशरूम लिया है उस मशरूम को डायरेक्ट इसमें डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे। हम इसमें ऐसे ही रहने देंगे, इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, जिससे क्या होगा हमारा मशरूम थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड सा नहीं रहेगा और जल्दी ही पक जाएगा। अब हमने क्या करा है, गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है हमने, इसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे, तेल करीबन हमने 4 चम्मच डाला है तेल, और इसे हम गर्म होने देंगे पहले, और हल्का गर्म होने के बाद 1 चम्मच इसमें हम जीरा डाल देंगे। हमने क्या करा है, 4 काली मिर्च ली है हमने और 2 हमने लौंग लिए हैं, इसे भी इसमें डाल देंगे, और लहसुन की कलियाँ ले ली है हमने, 7-8 काट के ले ली है, इसे हल्की सी फ्राई कर लेंगे हम पहले, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे, आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं इसमें, छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा हमने कसूरी मेथी ले ली है, कसूरी मेथी भी इसमें डाल देंगे, काफ़ी अच्छी महक आने लग जाती है कसूरी मेथी डालते ही। और हमने क्या करा है, 2-3 हमने प्याज ले लिया है, मीडियम साइज का प्याज है, इसे लंबे लंबे टुकड़ों में हमने काट लिया, जैसे आप भिंडी के लिए काटते हैं ना, बस इसी तरीके से ले लिया है, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें, इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे पहले, इन सबको हम मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाना, काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, इस तरीके से बनाएंगे ना आपकी सब्जी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। बस छोड़ देंगे हल्का इसे, अब देख लेते हैं हमारे मशरूम को भी 10 मिनट हो गया है भीगे हुए, इसका पानी हमें एक तरफ कर देंगे और मशरूम को हम निकाल देंगे एक प्लेट में। काफ़ी सॉफ्ट हो गया है हमारा मशरूम, आप देख सकते हैं इसका पानी किस तरह का हो गया है ना, इसने अपना पानी छोड़ दिया है इसमें मशरूम ने, और काफ़ी सॉफ्ट हो गए हमारे मशरूम, बिल्कुल आसानी से कट जाएंगे मशरूम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे काटने में, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है हमारा मशरूम। जो इस मशरूम को बनाने की टिप्स है ना, बस इन्हें याद रखना, अगर इस टिप से आप मशरूम बनाएंगे ना, आपका मशरूम काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इस तरह से हम काट देंगे इसे, देख लीजिए हमने सभी को काट दिया है, हमारा प्याज भी वहाँ फ्राई हो गया है, देख लीजिए काफ़ी अच्छा फ्राई हो गया है। ये भुना हुआ प्याज है ना, इसी में अपने मसाले डालेंगे, ये खास ट्रिक है इसकी। हमने क्या करा है, 1.5 चम्मच नमक लिया है इसके लिए, और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें, और 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने मिर्च ले लिया है, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे इसके साथ। हम टमाटो में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे मसाले, हमें पहले ऑनियन में ही डालना है, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, और 1 चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, जिससे अच्छा काफ़ी फ्लेवर भी आएगा और साथ में इसका कलर भी काफ़ी अच्छा उभर कर आएगा। हल्का सा भून लेंगे इसे हम पहले, मसालों को सभी को पहले भूनना है हमें,
हम थोड़ा सा डेट लगा देंगे इसमें 1 मिनट के लिए। हमने इसमें टमाटो भी डाल दिया है, हमने ढक्कन को खोलने के बाद तुरंत इसमें टमाटो भी डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे इसके साथ। हमने 2 टमाटो करीबन डाला है इसमें। हम लीड लगा देंगे फिर से इसमें और थोड़ा देर इसे पकने देंगे ताकि जो ऑयल है ना इसके किनारों पे आ जाए। देख लीजिए अच्छी तरह से भुन गया है, किनारों में इसका ऑयल आ गया है, यानी कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं टमाटो के साथ भी। अच्छी तरह से हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मशरूम लिया था काट के, इस मशरूम को भी इसमें डाल देंगे। इसे सभी मसालों में मिला देंगे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। आपको बिल्कुल अगर ग्रेवी वाला नहीं बनाना है तो यहाँ पे आप पानी को स्किप कर सकते हैं, बस हल्का सा इसमें लीड लगा के इसे ऐसे ही पका सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 3-4 चम्मच पानी डाल के इसे पका सकते हैं। बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनेगी आपकी मशरूम की। अब आपको तरीदार बनानी है तो इसमें पानी डाल दीजिए। देख लीजिए हमने पहले 1 कप डाला है इसमें पानी, फिर 2 कप डाला है। ग्रेवी अपने हिसाब से कर सकते हैं, मगर इतने मशरूम के लिए इतनी ग्रेवी, इतना पानी इसमें पर्याप्त है। अब हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही रहने देंगे। और इसमें क्या करेंगे, उबाल आने लगा है, हम क्या करेंगे इसमें तुरंत लीड लगा देंगे ताकि अच्छे से पक जाए इसमें। पाँच मिनट बाद देखेंगे हम, काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है इसमें। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे हम। हमें लो फ्लेम में या फिर मीडियम फ्लेम में ही चलाना है इसे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो उबाल आके तुरंत गिरने लगेगा। फिर से हम डेढ़ लगा देंगे क्योंकि काफ़ी थिक बनाना है हमें इसे, बिल्कुल पतला नहीं बनाना। अच्छी ग्रेवी बनानी है इसकी हमें, थिक ग्रेवी। देख लीजिए काफ़ी अच्छा पक गया है, आप देख सकते हैं इसमें। हमने लो फ्लेम में रखा था और काफ़ी देर तक थोड़ा पकाया और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है और बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। आपको आगे हम एक सीक्रेट बात बताने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल चटपटा स्पाइसी सा खाना है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में, तो आप यहाँ पे गैस को बंद कर दीजिए, आपकी हो गई है सब्जी तैयार मशरूम की। और अगर आपको लाइट फ्लेवर में खाना है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा होता है ना, सौंधा सौंधा सा टेस्ट होता है, हल्की मिठास सी होती है टेस्ट में, उसके लिए सीक्रेट टिप से आप देख सकते हैं। हमने 4 चम्मच करीबन मलाई ली है, अच्छी मलाई ली है बिल्कुल। इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे पहले मलाई को और तुरंत इसमें डाल देंगे। हमें काम आखिरी में करना है, पहले बिल्कुल भी नहीं करना, जिससे आपका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिसमें तीखे मसाले पड़े हैं ना, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल लाइट लाइट सा लगेगा और खाने में भी टेस्ट लगेगा। ये सीक्रेट बात है, हर किसी को पता नहीं होगी। आप ऐसे बना सकते हैं, कभी आपके मसाले तेज़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपका बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा इसमें मसालों का, अगर आप टिप्स को करेंगे। इसमें अच्छी तरह से हमने मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पकने देंगे, लीड लगा देंगे थोड़ा सा हम इसमें, ज़्यादा नहीं लगानी, 1-1.5 मिनट के लिए ही लगानी है। 1-1.5 मिनट हो गया है, हम कर देंगे यहाँ पे गैस को बंद, क्योंकि ये सब्ज़ी तो हो गई है हमारी तैयार। आप देख सकते हैं इसका चेंज भी हो गया है कलर, जो पहले का कलर था और अभी के कलर में थोड़ा चेंज लग रहा होगा आपको। पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की लग रही थी। कैसी लगी आपको हमारी मशरूम की रेसिपी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आप ये रेसिपी बनाओगे तो आप भी बताना आपकी रेसिपी किस तरह बनी है, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ऐसी ही यूनिक रेसिपीज़ हम लेके आएंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। फिर मिलेंगे हम ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।